हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सृष्टि। आप सभी कैसे हो? बहुत दिन के बाद मैं आज आ रही हूँ ब्लॉगिंग करने। तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे पूरे बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, इन्जॉय कीजिए। और अभी मैं बाहर जाने वाली हूँ कहीं, तो अभी नाश्ता दीदी बना रही, मैं आप लोग से वो शेयर करना चाहती हूँ कुछ रेसिपी। तो चलिए देखते हैं दीदी क्या बना रही है। और मुझे रेडी भी होना है क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, आज मुझे बाहर भी जाना है, बहुत सारा काम है। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। हम लोगों ने आलू बॉईल कर रखा है, हरी मिर्च और लाल मिर्च और लहसुन की पेस्ट भी तैयार रखा है, और दही हमने ग्राइंड करके रख लिया है। और अब हम लोग एक बर्तन गर्म करेंगे। बर्तन गर्म होने के बाद हम लोग उसमें सरसों ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम लोग करी पत्ता और पचफोरन ये सारे चीज़ इसमें डालेंगे ऑयल पे, और अच्छी तरह से भून लेना है। जब तेल गर्म हो जाए उसके बाद ही हम लोगों को पचफोरन और ये डालना है, लहसुन की पेस्ट भी इसमें ऐड करना और मिर्ची। सारी चीज़ डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लेना है। इसे अच्छी तरह से भुन जाने के बाद हमें इसमें आलू डालना, जो हम लोगों ने तैयार करके रखा था बॉयल आलू, उसे हमें इसे डाल देना है और अच्छी तरह से भुन लेना है। आलू अच्छी तरह से भुन जाने के बाद हमें हल्दी डालना है। हल्दी कलर के लिए हम लोग डालेंगे कि ताकि देखने में सुंदर लगे। इसे अच्छी तरह से भून लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। आलू भुनने के बाद हमें स्टोव ऑफ कर देना है। जब आलू भुना हुआ ठंडा हो जाए तो हमें इसमें दही जो ग्राइंड करके रखा था वो ऐड कर देना है। आलू और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सो फाइनली हमारा दही आलू बन चुका है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी अपने घरों पे ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को दही आलू कैसा लगा। आलू दही दीदी बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनाई है। रेसिपी तो आप लोगों को बता दी है, आप लोग भी ज़रूर घर पे बनाइए, बहुत जल्दी बन जाता है। कहीं आने जाना है तो जल्दी जल्दी ये सारा चीज़ हो जाएगा। और अभी मेरा बहुत लेट हो रहा है, जाना है मुझे जल्दी। आप लोगों को दिखाना चाहेंगे दीदी हमको कैसे भेजती है। दीदी हमको ऐसे भेजती है जैसे कि हम स्कूल जा रहे हैं, लंच बॉक्स भी रहता है, वाटर बोतल भी रहता है, ये सारा क्या 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 डाल डाल के देती, लगता है हम स्कूल जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चलिए मेरे साथ आज। हाय देखो दीदी कितना सारा चीज़ मुझे देती है, ये लंच बॉक्स इतना भर भर के रोटी, वाटर बोतल और ऊपर से छाता भी लेके जाना। ये मेरा कॉपी, स्कूल चले हम वाला याद आ रहा है, बस दो चोटी नहीं बनाए नहीं तो स्कूल चले हम। मास्क तो कंपलसरी है, आप लोग भी मास्क ज़रूर से लगाएं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फिर से प्रॉब्लम आने वाला है। और ये मेरा छोटू सा पर्स, कहाँ रखती दिखा देते हैं, दिख गया, अब चोरी हो जाएगा वो। चोरी हो जाएगा, हम बैग आगे ऐसे पकड़े रहेंगे। ये मेरा बैग तैयार है स्कूल जाने के लिए।
बाय जूही, जा रहे हैं। बाय। मास्क बहुत जरूरी है। हाँ लगा लो। शाम में मिलते हैं। बाय। नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे हम, ये सब काम नहीं करते हम। चल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मुझे ऑटो भी मिल गया, अब मैं जा रही हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी, तो अब मैं जब लौटूँगी तो वो वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तब तक आप लोग, अब मैं वापस घर जा रही हूँ। वहाँ पे वीडियो में कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो आप लोगों को थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा मेरा वीडियो, फिर भी आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। सो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। मैं सुबह में निकली थी और अभी घर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा आज दिन भर बहुत ही ज़्यादा काम था और अभी मैं घर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं सुबह जब गई थी, अभी देखिए रात है, देखिए अभी रात हो चुका है। और यही है मेरा आज का रूटीन। आप लोग, बहुत लोग मुझे कमेंट करते हो कि आप डेली रूटीन शेयर कीजिए। मैं अभी इतना ज़्यादा बिजी हो चुकी हूँ कि आजकल उतना वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। फिर भी आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आप लोग तक सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, तो जाती हूँ, फिर से आऊँगी छोटे छोटे वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।